अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं शामिल होंगी हमारे साथ जंजीरों में जकड़ा मुर्दा उस्ताद, पाकिस्तान में निज़ाम अदल का कत्ले आम जारी है और बाअसर और गरीब अफराद के लिए इंसाफ के मेयार अलग अलग क्यों हैं, और तौहीन अदालत के मुजरिम फैसल रजा आबदी की मुआफ़ी कैसे कबूल की गई। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी की खुफिया जायदादें और अदालतों से जमानतों का सिलसिला जारी है, क्या नैब बड़ी गिरफ्तारियां करने जा रही है, और इसके अलावा शामिल होंगी हमारे साथ दीगर स्टोरीज में पाकिस्तान के माशी मसाइल के हल के लिए सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात भी पाकिस्तान के करीब आ चुका है और $3 अरब देने का मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा एक और स्टोरी शामिल करेंगे, शाम इराक यमन मिस्र लीबिया ट्यूनिस के बाद सूडान में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, पुरतशद्दद मुजाहरों में कई हलाक हो चुके हैं, कर्फ्यू नाफिज़ है और मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट की सहूलियात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। सूडान में एहतजाजी मुजाहरों की वजूहात और अहदाफ क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा यमन में झोंके गए बच्चों की लर्जा खेज दास्तान सामने आई है, ईरान नवाज हूसी बागी बच्चों को जंग में किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको बताएंगे, तहलका खेज इंकशाफात से दुनिया भर में जो भौचाल आया है ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा ने यमन में मुस्तकिल मंदूब भी मुतय्यन कर दिए हैं और सिक्योरिटी कौंसिल का जो इजलास हुआ उसमें भी अहम फैसले सामने आए हैं। एक और स्टोरी शामिल करेंगे अमरीका से, ये स्टोरी है हमारे पास, डोनाल्ड ट्रंप और कानून साज इदारों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं और रवां साल तीसरा शटडाउन जारी है और लाखों मुलाजमीन बगैर तनख्वाहों के काम करने पर मजबूर हैं, ये अमेरिका की सूरत हाल थी। इसके अलावा बहीरा अहमर पर सऊदी अरब का तारीखी मंसूबा सामने आया है, इसे आपको गाही देंगे। सऊदी अरब में सियाहत के फरोग के लिए ये मंसूबा बड़ा अहम है और इसके साथ साथ एक और स्टोरी भी शामिल करेंगे, आपको बताएंगे मक्का मुकरमा से खाना काबा के ऐन ऊपर चांद का खूबसूरत नज़ारा आज रात को देखा जा रहा है और कल भी खाना काबा के ऐन ऊपर चांद का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। और इसके अलावा भी हमारे पास स्टोरी शामिल होंगी जिसमें आपको बताएंगे कि शाम के बाद अफगानिस्तान से भी ट्रंप ने आधी फौज जो है वो निकालने का ऐलान किया है, 7,000 फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान से निकाले जाएंगे।